अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान के चैनल पर। एक मरतबा फिर हम इस वक्त आए हैं एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे ई वीज़ा के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली कई ममालिक ने ई वीज़ा सर्विसेज स्टार्ट की हैं। ई वीज़ा के बारे में अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बताता चलूँ कि ई वीज़ा अगर आपके पास हो तो आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ईमेल के ऊपर ई वीज़ा मिल जाता है और आप उसके बाद ट्रैवल कर सकते हैं टिकट करवा के अपना। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे ये होगा कि लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि आपको मालूम है कि काफ़ी ममालिक ने पाकिस्तान के लिए ई वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं। कतर ने रिसेंटली आपने देखा था कि पाकिस्तानियों को ई वीज़ा की सर्विसेज प्रोवाइड की। उसके अलावा आप ई वीज़ा लेकर अजरबैजान जा सकते हैं। उसके अलावा भी और काफ़ी ममालिक हैं फ्रेंड, जहाँ पे आप ई वीज़ा लेके इजीली सफ़र कर सकते हैं पाकिस्तान से। तो रिसेंटली 1 नवंबर 2019 से फ्रेंड एक और मुल्क है जिसने ई वीज़ा सर्विसेज पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए और दूसरे एशियाई ममालिक के लिए मुतारिफ़ करवाई हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीज़ा आप एज अ टूरिस्ट या फिर बिजनेस मैन अप्लाई कर सकते हैं और ये वीज़ा आपको मैक्सिमम 1 साल तक के लिए दिया जा सकता है, कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए। तो इस ई वीज़ा से रिलेटेड फ्रेंड्स, अच्छी खबर यह है कि इसके लिए आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ी बैंक स्टेटमेंट आपने नहीं शो करनी, बस थोड़े से पैसे अगर आपके पास हों अकाउंट में, वो आप लेकर अपने साथ जा सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। इस मुल्क का नाम है फ्रेंड्स मलावी। तो मलावी जो है फ्रेंड्स, मोज़ाम्बिक और तंजानिया के पास मौजूद है। ये एक अफ्रीकी मुल्क है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप टूरिज़म के लिए जा सकते हैं। सफारी टूरिज़म यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके अलावा यहाँ के बीचेस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर बहुत है फ्रेंड्स, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं यहाँ पे जाके। तो फ्रेंड्स, 3 महीने का सिंगल एंट्री वीज़ा आप मलावी का ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा 6 माह का मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बिज़नेस विज़िट भी आप वहाँ कर सकते हैं और दूसरी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए भी वहाँ पर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मलावी का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान से आपको ये करना होगा कि इनकी ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा और बहुत ही ईजी टू फिल एप्लीकेशन वहाँ पर आपको फिल करनी है ऑनलाइन, और उसके बाद आप ईज़िली अपना वीज़ा ले कर ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ले चलता हूँ मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि मैं हूँ इस वक्त मलावी की इमिग्रेशन पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन। तो इसके ऊपर आके आपने फ्रेंड्स ऐसा करना है कि लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद साइन अप करना है, रजिस्टर करना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी है, पासवर्ड देना है और ये कैप्चा फिल करना है। इसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक लिंक आएगा, उसको जब आप कंफर्म करेंगे तो आप वीज़ा एप्लीकेशन पेज के ऊपर आ जाएंगे। बहुत ही ईजी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप फिल करेंगे। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं फ्रेंड्स कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही आपको पासपोर्ट की तस्वीर, अपनी ओरिजिनल फाइल फ़ोटो, उसके अलावा होटल की बुकिंग और एक इनविटेशन लेटर मलावी से, इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको फ्रेंड्स अपलोड करना है एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को ये नहीं पता कि इनविटेशन लेटर कहाँ से लेना, बाकी चीज़ें तो आपको मिल ही जाती। तो इनविटेशन लेटर लेने के लिए फ्रेंड्स, आप जिस होटल की बुकिंग करेंगे उनसे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको इनविटेशन लेटर दें। हो सकता है आपसे वो $10-20 ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करें और आपको इनविटेशन लेटर दे दें। उसके अलावा फ्रेंड्स, $75 जो है वो फ़ी है 3 मंथ के वीज़ा की, सिंगल एंट्री वीज़ा की, और $250 फ़ी है 12 मंथ के मल्टीपल एंट्री वीज़ा की। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।